नमस्कार दोस्तों, मैं अंतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने सोशल मीडिया चैनल पे। सोशल मीडिया पे लगातार मुस्कान का रील्स वायरल हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मुस्कान ने सोशल मीडिया को हाईजैक कर लिया है। मगर जब सोशल मीडिया में मुस्कान जैसी छोटी छोटी बच्चियां जब वायरल हो जाती हैं, कुछ तथाकथित लोग, कुछ स्वयंभू लोग जो कि अपने आप को समझते हैं कि हम समाज का ठेकेदार हैं, वह लोग इनसे बातें करते हैं। बहुत विवाद भी हो रहा है, इनका वीडियो वायरल हो रहा है। तो हम आए हैं आज मुस्कान के घर पे उनसे पूछने के लिए आखिर वह किस परिस्थिति में है, क्या उनका मानसिक रूप से शोषण तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके रील्स वायरल होने के बाद दूसरा वीडियो हम देखें, इनकी माताजी किसी को गाली दे रही हैं, उधर से कोई इसको गाली दे रहा है, पूरा एक माहौल गर्म है। तो हम आए हैं बात करने, हमारे साथ देख लीजिए गुड़िया जी हैं, मुस्कान की माँ हैं, एक और मुस्कान जी हमारे साथ है, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सेविका हैं, यह भी इनके घर पे हमें मिल गई तो हमने सोचा इनसे भी बात कर लेते हैं। और लास्ट में देख लीजिए मुस्कान जी, जिनका की रील्स सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे गुड़िया जी यानी मुस्कान की माँ से, उनसे पूछेंगे जब इस तरह से सोशल मीडिया पे गाली गलौज होता है तो इनके घर पे क्या असर पड़ रहा है, इनके हस्बैंड क्या बोल रहे हैं, अभी वर्तमान परिस्थिति क्या है गुड़िया जी का, इन सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे। आप लोग इत्मीनान से वीडियो के साथ बने रहें। गुड़िया जी, क्या हो रहा है, आप किसी को गाली दे रहे हैं, उधर से किसी को गाली दिया जा रहा है, क्या हो रहा है सोशल मीडिया जी? सबसे पहले तो नमस्ते। ये एक चार दिन पहले हम लोग एक साल से रील्स बनाते थे, आज सर आम बात है, सब लोग रील्स बना रहे हैं, छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा या बूढ़ जवान सब लोग बना रहा है। तो हम लोग रील्स बनाते थे, एक वीडियो वायरल हो गया मेरी बेटी को, तो मेरे गांव के एक मतलब बगल के वायरल मीडिया वाले थे, वो आए बोले कि गांव की लड़की है, हम सपोर्ट करेंगे, अगर आगे बढ़ रही है तो इसको मतलब बढ़ाना चाहिए। तो हम लोग इंटरव्यू देने से डर रहे थे पहले फर्स्ट में, फिर वो बोले तो हम बोले कि ठीक है, तो वो सपोर्ट किए, बढ़ाए, उसके बाद में मीडिया वाले लोग आने जाने लगे। कुछ मीडिया वाला मतलब सही के गलत, गलत के सही बनाता है अपने TRP के लिए। पूछा तो हम लोग शुरू से, हमारे गांव में सब लोग पवन सिंह को हम लोग फेवरेट मानते हैं, उनका गाना देखते हैं, उनका फिल्म देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मतलब लगता है हम लोगों को पवन सिंह को, आपके पूरा बहुत सारे लोग फेवरेट मानते, तभी तो वो स्टार कहलाते हैं जी। तो हम लोग उनको फेवरेट मानते हैं और मेरी बेटी उनको शुरू से गुरु मानती है, उनके मतलब गाना फॉलो करना, उनका एक्टिंग, उनका पसंदीदा कलाकार जी जी, उनको गुरु मानती है। तो मीडिया वाले लोग आए उसी में, मतलब बोले कि आप गुरु मानती हैं, तो बोले कि हाँ हम गुरु मानते हैं, तो आप प्यार करती होंगी गुरु, तो बोले कि हम अपने पापा से प्यार नहीं करते, हम अपने माँ से प्यार नहीं करते, वैसे हम उनसे भी प्यार करते हैं, उनको गुरु मानते हैं, तो इसमें प्यार करने का कौन बात है? और लोग उसे कोई गुरु माने जी जी, अगर जिसको भी हम एक टीचर को गुरु मानते हैं, उससे हम पढ़ाई करते हैं, सब चीज़ करते हैं, उसको तो हम मानेंगे ना, प्यार करेंगे ही उससे ऑब्वियसली। तो एक ही रिश्ता नहीं होता है, बहन का भी होता है, पिताजी का भी होता है, सारे रिश्ते होते हैं जी। तो इसमें सब जी, मगर चंदन से क्या बात है, हमको ये जानना। अच्छा, सोशल मीडिया पे हम देखिए, अब चंदन उपाध्याय जी के बारे में बता देते हैं, जिस तरह से कैरी मिनाटी रोस्ट करते हैं, चंदन जी भी सोशल मीडिया पे रोस्टर का काम करते हैं, पर इनको तकलीफ ये है कि रोस्ट करना एक अलग बात है, पर जब आप रोस्टिंग में शब्दों की मर्यादा तार तार करते हैं, जब ऐसे शब्दों का आप रोस्ट करते हुए प्रयोग करते हैं जिनसे कि इनकी भावनाएँ आहत हुई हैं, यह बहुत मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित है। आप इनसे अगर बात कीजिए कि बातों बातों में रो भी जाती हैं, मुस्कान का भी वही स्थिति, यानी कि बहुत प्रताड़ित आप क्या हो जी गया? और वो बोल रहा है कि ये सब नाटक कर रही है, ये सब नाटक कर रही है। और चार दिन पहले, पांच दिन पहले चंदन उपाध्याय का कॉल आया, 8 बज रहा था रात। अच्छा, 8 बजे एक बात बताइए, चंदन उपाध्याय जी आपको कॉल किए कि आपने उसको कॉल किया, ये चीज क्लियर होना चाहिए। चंदन उपाध्याय खुदे कॉल किया था मेरे पास, उसका नंबर हम नहीं लिए थे और ना हम किसी मीडिया वाले का नंबर लिए, सारा मीडिया वाले खुद आए हैं चल के। अगर कोई मीडिया वाला आके हमको बोल दे कि हम कॉल करके बुलाए, तो फिर हम सारा मीडिया नहीं, हम सिर्फ चंदन जी के बारे में पूछे, आपने कॉल किया चंदन जी को कि फिर चंदन जी ने आपको कॉल किया? चंदन खुद वो अपने उनके बेतिया से कम 20 मीडिया वाले आए थे ना, बेतिया 24 न्यूज, एक और विवेक उसका कुछ न्यूज है, बहुत सारा न्यूज वाला आए, उसी से चंदन को
नंबर लेके खुद कॉल किया था 8 बजे रात के मेरे पास पूरा मतलब जब कॉल किया था कब कॉल आया है कब कब कटा है कब आया है फिर कब 3 बार फोन आया तो हम रिसीव नहीं किए। अच्छा, विवाद क्या हुआ? चंदन जी क्या क्या बोला जो आपको खराब लग गया? तो उससे हम हाथ जोड़ के बोले कि भैया मेरी बेटी रील्स बनाती है और मीडिया वाले आए पूछे कि क्या करना है, तो बोले कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं और रील्स बना रहे हैं लेकिन आगे मेरा सपना है हीरोइन बनने का, तो हम मतलब हीरोइन बनेंगे आगे चल के। तो वो बोला भोजपुर मतलब इतना गंदा। हम बोले कि भैया कोई आपका वीडियो हम देखते हैं, आप बहुत गलत गलत सबको मतलब टारगेट करके बात करते, कभी खेसारी को गाली देते, कभी पवन सिंह को गाली देते, कभी किसी को गाली देते हैं, लेकिन आप गाली देते फोन करने से पहले भी फोन काटने के बाद में। तो बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे। तो वो बोला कि हम वीडियो बनाते हैं पैसा लेकर के। तो हम बोले कि भैया हम किसी को पैसा नहीं देते इसलिए क्योंकि मेरी हम लोग पहले से वायरल है, बहुत मीडिया वाले हैं, हम लोग किसी को 1 रुपया नहीं दिया तो हम किसी को पैसा मतलब कि चंदन जी से आपसे पैसे की डिमांड किया वीडियो बनाने के लिए जी। आप कैसे, मान लीजिए वो बोल देगा कि ऐसा नहीं है तो आप कैसे क्या साबित कीजिएगा? अब वो तो बोलने के लिए बहुत कुछ बोल रहा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग नहीं है आपके पास जो चंदन जी बोल रहे हैं जो हम आप हमको पैसा दीजिए हम आपको वायरल कर देते हैं? रिकॉर्डिंग क्लिप उस टाइम हमको मतलब ऐसा नहीं लगा कि हम लोग पहले से भी किसी का रिकॉर्डिंग नहीं किए थे। ये लोग गांव की आदमी है, इनको इतना माइंड कहाँ से आएगा? चंदन तो ऑलरेडी सबको गलियाता है, जहाँ तक पवन भाई को ले लीजिए, खेसारी को ले लीजिए, अक्षरा को ले लीजिए, तो वो गाली दिए ना। तो हमको लगा कि मतलब हम तो उनसे भैया बोले जी बोले रिक्वेस्ट किए तो वो थोड़ी हमको गाली देंगे कि मतलब ऐसा नौबत आएगा कि हम उनको रिकॉर्ड करें, नहीं तो हम भी मतलब किए रहते। और हम लोग मतलब गांव के हैं, उतना मतलब हम लोग का नहीं है कि मतलब हमको ये पहले से नहीं, इनका कहने का मतलब ये है पहले से ये नहीं समझी जो हम इनका रिकॉर्डिंग कर लेते हैं चाहे कोई बात है, ये अपना समझ के बात की जी। और वो चंदन आपको जी वो बहुत मतलब गलत सलत बोले उस टाइम, हम जो उनको जवाब दिए तो कहीं ना कहीं वो रोक दिए और वो बोले कि मेरे साथ मीडिया में काम करेगी क्योंकि सुंदर सुंदर लड़कियों की ये तो हम भी देखे हैं। चंदन को ये जो मीडिया में आके रिकॉर्डिंग करके बोलता है इस पे रोक लगाया जाए, जिला प्रशासन कहाँ सोए हुए हैं? इतना बिहार की बेटी के साथ शोषण कर रहा है, सब तो गलत है ना। पवन सिंह के बारे में बोल रहा है, अक्षरा सिंह के बारे में क्यों बोलेगा, हो कौन वो तो देखिए स्टार है, बोले ना बोले उसे कोई पर एक छोटी सी बच्ची है, अब नाबालिग है, क्या इस पर क्या बोलना चाह रहे हैं? आप भी आई हैं इनका घर पे, कुछ सोच के ही आई होंगी, क्या आप सोचना चाह रहे हैं? बस हम यही बोलेंगे चंदन तो ऐसे रुकेगा नहीं, आपका बस यही एक विकल्प निकलता है उस पे जाके आप जिला प्रशासन से मिलके केस के जब कितना वाइट दीजिएगा, कहाँ कहाँ भटकिएगा, आपको कोई मदद नहीं करेगा। जिला प्रशासन अगर मदद नहीं करती है तो फिर बात आगे जाएगी, क्यों नहीं करेंगे वो? उसके कहने से कुछ नहीं होता है, वो सबको गलियाता है एक तरीका से, उसका जो बात करने का वो है लहजा, उसको आदमी अब बयान नहीं कर सकता, ऐसा ऐसा भद्दा बोलेगा कौन पड़ेगा वो। अच्छा ये बात भी तो, अगर बच्चियों से अगर अब माँ बाप काम करवाएगा सोशल मीडिया पे तो क्या बोलेगा? बोलेगा कि बच्चा का शोषण भी तो हो रहा है। भाई 3 साल की जो मिस्ट्री है इतना वायरल हो गई, एक और लड़की है क्या तो नाम है उसका, बहुत अच्छी लगती है दिखने में, एकदम 4-5 साल की, वो वायरल हो गई, तो क्या पवन सिंह वो सबके साथ गलती कर देंगे जी? तो वो बोला 3 साल भोजपुरी में पहले लेता है तब काम देता है, बच्चा गिराना पड़ेगा। तो मतलब कि भोजपुरी फिल्म पर ही कटाक्ष कर दिया, भोजपुरी इंडस्ट्री पर ही, अगर भोजपुरी में अगर कोई भी लड़की जाता है तो उसको कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कहने का। ये बोला कि बेड शेयर करना पड़ेगा, बच्चा बारे को गिराना पड़ेगा, उसके बाद में पहले लेता है तब बाद में काम देता है, 3,000-4,000 में काम करवाता। पता नहीं जितने भी सोशल मीडिया पे सब जो लोग देख रहे हैं वो लोग कहाँ सोए हुए हैं, इतना गंदा और कचक बात। मतलब कि भोजपुरी में जितनी भी अभिनेत्रियां हैं हम सभी का जिक्र करेंगे क्योंकि भोजपुरी पूरा समाज को इन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, मतलब जितने हीरोइन है वो सब लोग बारे को बच्चा गिराई है और बिछावने सोई है तभी वो उनको काम मिला है। चंदन बोला वो गलत भाषा का उपयोग कर रहा, आप मत कीजिए। नहीं वो बोला है, वो बता रहे जो वीडियो में डाला है कि मतलब बेड शेयर करना पड़ेगा और बच्चा गिराना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे है, है उसका चंदनवा का वीडियो में है वीडियो, यही वीडियो है, यही वीडियो है कि बेड शेयर करना पड़ेगा और बच्चा गिराना पड़ेगा और ढोरी के नाभि नहीं सूखा, पहले लेता है उसके बाद में काम देता है, ऐसे बोला है, बात बोल रहा है। अच्छा छोटा कपड़ा पहन के वायरल हो चाहे कोई, जब इनकी माँ सपोर्ट कर रही है तो आप होते कौन है किसी के बारे में टिप्पणी करने के लिए, आप कौन होते हैं? इसके मतलब उनको मतलब क्या कपड़ा से ही किसी का करेक्टर डिफाइन होगा ये बताइए? बिल्कुल नहीं, आजकल के डेट में तो सब सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ है। इस जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं उस हिसाब से प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, लेना चाहिए। हम लोग तो
यानी कि एक लड़की की बात नहीं है, एक महिला का बात नहीं है, पूरा महिला समाज का यहाँ बात हो जाता है। कल को कोई भी लड़की अगर कुछ करना चाहेगी तो नहीं, बिहार की एक बेटी को गाली दिया है ना, सबको यानी समझ लीजिए पूरा बिहार के बेटी को गाली दिया है। अब बिहार की बेटी को इसमें उठने का भी राइट है, उठे, इसके बारे में सपोर्ट करे, ये क्यों किसी के बारे में गंदा बोलेगा। जातिवाद यहाँ पे करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना। हम हिंदू हैं, हम गर्व से बोलते हैं हम हिंदू हैं, तो राजपूत हो ब्राह्मण हो किसी के बारे में काहे बोलेगा भाई, तुमको क्या मतलब है, अपना काम से काम रखो ना। आप दूसरे के लाइफ में घुस के भोले भाले आदमी को गरियाता है, उसका चारों बगल से इतना छोटी बच्ची अगर कुछ कर लेती है तो उसका भागीदार कौन होगा। क्या लग रहा है मुस्कान जी, ये बताइए, आपको जब इस तरह से गाली गलौज किया जाता है तो क्या बोलिएगा? हम यही बोलेंगे ऐसे मत करिए, बहुत मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना कौन करता है किसी के साथ। देख लीजिए छोटी सी बाबू है, आंख देखिए भर गया है, दरी सामी है, वो बोल रहा है कि ना डर लग रहा है। अरे क्यों रोगी, अगर तुम सही हो तो फिर कार्रवाई होना चाहिए, काहे रोएगी, काहे गिर गिर रहा है। क्या नीतीश जी से क्या बोलिएगा, महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, बिहार सरकार दम भरती है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं, और देख लीजिए बच्ची का, वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पे तो बेटी नहीं बच रही है किसी से, तो आगे बढ़े। इस अंकल को क्या बोलिए? हम यही बोलेंगे से वो मतलब चंदन ऊपर देखो कुछ मतलब एक्शन ले आगे कुछ या मतलब करे, आज मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ होगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा उसका। नहीं इस पे तो एक्शन लेने के लिए एकदम बनता ही है। बच्ची रो रही है, क्या बोलिएगा आप आई हैं? अरे हम क्या बोल रहे, अब वो आदमी ही वैसा है, उस पे तो कार्रवाई होना चाहिए ना, अब ज्यादा बनेगा तो वैसा। डर भी लग रहा होगा आपको? नहीं डर नहीं लग रहा हमको, दुख बस इस बात का है, मतलब मेरी मम्मी इतना हाथ जोड़ी बोली से भैया ऐसा कुछ मत कीजिएगा, फिर भी वो इतना गलत बना दिए। क्या गलती कर दी, कुछ पाप कर दिया क्या? जी नहीं, फुल कपड़ा पहन के साफ सुथरा सॉन्ग भी बनाने में क्या गलती है। अच्छा ये होता है, वो जो सर वो क्या बोल रहे, तो पवन सिंह को भतार बोलता है, पवन सिंह को भतार गाने वैसा है, उस पर ये डांस रील बना रहे। पवन सिंह का वो गाना नहीं है, एक गाना रिलीज हुआ था विशाल यादव जी के, और मेरे पति 2015 से सच में विदेश रहते हैं, उसी पे हम बनाए, मेरे मतलब सरकार आवत रहे, मेरे प्यार आवत रहे, यही से सरधज की वाणी विदेश से भाता रहा होता, वो बोल दिया उनके साथ पवन जी को, बोलू पवन जी को बोल रही है भाता भैया, कहीं ऐसा कोई बात नाम नहीं ली है? नाम ली है। अरे अपना पसंद भी तो होता, नाम भी ले लेगा तो क्या किसी का करेक्टर कर देगा? पवन भैया हमसे भी बड़े हैं उम्र में, हमसे बड़े हैं पवन भैया, अगर उनका मतलब शादी टिका रहता तो उनसे बड़ी बड़ी उनके बच्चे होता, लेकिन हमसे बड़े हैं उसको नहीं छोड़ा। क्या लग रहा है इनके सपोर्ट में और भी लोगों को आना चाहिए? एकदम आना चाहिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर चंदन को बुरा लगा, ऐसे उसको बड़ा बोलता है, हमको बुरा लगा, हम समझाने का कार्य किया, अगर तुम समझाता तो इनके घर पे आके समझाता, तुम सोशल मीडिया पे एकदम मोबाइल से ऐसे करके तुम किसी का मजाक उड़ा रहा है जो लेता है, इतना गंदा बोलता है ना, हम लोग बोल नहीं सकते हैं, हम इस घर से बिलोंग करते हैं, जो इतना गंदा वर्ड हम लोग का नहीं आएगा। आप क्या बोलिएगा? हम यही बोलेंगे वो वीडियो डिलीट कर दे, और कृपया ऐसे कोई बच्चे के साथ ना करे, मतलब जिनको मतलब रोना पड़े या कोई, मेरी मम्मी बोली भैया प्लीज हाथ जोड़ के डिसलाइक कर रहे हैं, मतलब मत कीजिए, वो बोला हम पैसा लेते हैं तब करते हैं, तो मम्मी बोली तो हम लोग पहले से ही वायरल है, हमको पैसा वैसा नहीं देना है, अब वो बना दिए गलत सलत न्यूज, बताइए। अच्छा ये सब कौन दिया है जो पैसा लेके किसी का वीडियो वायरल करवाने के लिए, वायरल करवाएगा भी और बदनाम करेगा बाद में, पैसा नहीं देगी तो, यही बात है ना मैडम, पैसा मांग रहा था जी, वो बताइए हम पैसा लेते हैं तो मतलब वीडियो वायरल करते हैं, वायरल करते हैं वीडियो अच्छा बनाते हैं और वायरल करते हैं पैसा लेते हैं, तो हम बोले कि भैया हम लोग ऑलरेडी पहले से वायरल हैं, हम लोग को किसी को पैसा देने का जरूरी नहीं है, आप अच्छा वीडियो डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी बेटी नाबालिग है 13 साल के, आप फोन बहुत गाली देते हैं, सबको टारगेट करके गाली देते हैं, तो ऐसा वीडियो कुछ नहीं बना दीजिएगा कि माँ से काली हो जाए, तभी वो नहीं समझे जी। क्या आप लास्ट माँ से तो काली होना ही पड़ेगा, जब आपकी बेटी के बारे में ऐसे बोलेगा तो उस टाइप का आप कोई भी वाइट मत दीजिए, तुमको मार देंगे ये करेंगे, कुछ मत कीजिए, आप जाके जिला प्रशासन से समझे ना केस कीजिए, उस पर केस फाइल कीजिए, उसके बाद अगर जिला प्रशासन नहीं सुनते हैं उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलिए, काहे नहीं सुनेंगे, ऐसा थोड़ू ना है। वो बोल रहा है कि रील्स बनाना गलत है, हम किसी लड़की को डांस नहीं रील्स करने बनाना देंगे, रील्स गलत नहीं है भाई, तो सोशल मीडिया को बंद करवा दो ना। हाँ ठेकेदार लोग बन रहा है। हाँ रील्स बनाना अगर बंद, इतना सारी लड़की जो रील्स बना के वायरल हुई है सबको बंद करो ना। सलोनी एक थी, उनको नीतीश कुमार प्रमोट किए थे, मतलब रील्स बना सम्मानित किए थे सलोनी को, तो बंद करवा, हम बोल रहे हैं नीतीश कुमार से कि बंद कर दीजिए आप, कोई नहीं बनाएगा। और क्या, जो
चाइल्ड क्या बोला, यानी कि हरासमेंट का हो सकता है कि बच्चा है, इसे आप कैसे कर सकते हैं? पहले तो आप चाइल्ड बच्चा को आप तो शोषण कर रहे हैं, 13 साल को बच्चा को, और जहाँ तक चाइल्ड बच्चा का बात है तो मिस्ट्री तो इससे भी छोटी है, 3 साल की है, और बॉलीवुड में जो बहुत सारा बच्चा लोग काम करता है तो उस पर भी केस होना चाहिए ना। बहुत सारे स्टेज शो हैं, जूनियर डांस आ जाता है, वॉइस ऑफ इंडिया करके आ जाता है, जूनियर बहुत सारे लोग हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपना टैलेंट दिखाते हैं, वही टैलेंट ही अपना घर में दिखा रही है। तो ये सब वो बोल